हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया था कि एक डेली वीडियो आएगी और उसमें हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपको टाइम को बर्बाद ना करते हुए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण वंशों के बारे में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वंशों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में दोस्तों आते हैं। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पहला वंश है दोस्तों हर्यक वंश। एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं बिंबासार। कौन है दोस्तों? बिंबासार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और इनकी राजधानी और पूछी जाती है कि उनकी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, उनकी राजधानी जो थी वो राजगृह में थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछो, ये किस एग्जाम में नहीं आया? SSC में आया है, ठीक है, और ग्रुप डी में भी आया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों सभी जितने भी ऑल एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें ये दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे। तो बिंबासार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, शिशुनाग ही थे शिशुनाग वंश के संस्थापक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी राजधानी दोस्तों थी वैशाली। वैशाली दोस्तों इनकी राजधानी थी, किसकी? शिशुनाग वंश की। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिशुनाग इसके संस्थापक थे। ठीक है, और हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों बताइए, पिछली पीछे बताया था मैंने कौन थे? बिंबासार। कौन थे दोस्तों? बिंबासार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। और राजधानी दोस्तों इनकी कौन सी थी? राजगृह। ये और ध्यान रखना, राजधानी। और शुंगु वंश के दोस्तों शिशुनाग वंश, और इनकी राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नंद वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि नंद वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? महापद्म नंदन। ठीक है, इनकी राजधानी दोस्तों क्या थी? पाटलिपुत्र दोस्तों इनकी राजधानी थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इनकी राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? जल्दी बताइए, धन नंद। कौन था दोस्तों? धन नंद दोस्तों अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा, जिसको दोस्तों किसने हराया था? चाणक्य जो था ना, चाणक्य जी, इनको दोस्तों कौटिल्य भी बोला जाता है, कौटिल्य। ठीक है, और इनको दोस्तों विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त जो चाणक्य थे, इसने दोस्तों इनकी सहायता से क्या हुआ कि जो धननंद था, धननंद, उसकी दोस्तों हत्या करवा दी थी, जिसके बाद ही दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नंद वंश के दोस्तों स्थापना जो की थी वो महापद्म नंदन ने की थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन SSC JEE का है और कई बार आ भी चुका है। SSC JEE नहीं, हर परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है और शायद आपके एग्जाम में पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश, फिर उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जैसा कि मैं आपको पीछे बताया था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किसके साथ मिलकर की थी दोस्तों? चाणक्य के साथ मिलकर की थी। ठीक है ना, किसको हरा के दोस्तों? धननंद। धननंद, धननंद दोस्तों कौन था? अंतिम शासक था। किसका अंतिम शासक था? किस वंश का? तो दोस्तों किस वंश का था? नंद वंश का दोस्तों अंतिम शासक था। ध्यान ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसकी भी राजधानी दोस्तों क्या थी? पाटलिपुत्र दोस्तों इसकी राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, और वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुंग वंश,
सुंग वंश के दोस्तों संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। एसएससी जेई का दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। सुंग वंश के संस्थापक कौन थे, हु इज द फाउंडर ऑफ सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, राजधानी दोस्तों इनकी पाटलिपुत्र थी। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए। इसी वजह से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वंश हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को दोबारा से मिल सकते हैं। ठीक है, तो सुंग वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र थी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों एक वंश आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे, वसुदेव। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव, और इनकी राजधानी भी दोस्तों क्या थी, पाटलिपुत्र दोस्तों इनकी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कर्ण वंश वसुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, शातवाहन वंश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और आया भी है। इसके संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन है, सिमुक दोस्तों इसके संस्थापक है, सिमुक। सातवाहन वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है, सिमुक, और इनकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठान दोस्तों इनकी राजधानी थी सातवाहन वंश की। सिमुक दोस्तों इनके संस्थापक थे सातवाहन वंश के। और चांदी के सिक्के, सबसे पहले चांदी के जो सिक्के चलाए गए थे ना दोस्तों, चांदी के सिक्के, ठीक है, यानी कि सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन जो दोस्तों चलाए गए थे ना, वो सातवाहन वंश में ही दोस्तों चलाए गए थे। ठीक है, इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे, सिमुक, और इनकी राजधानी दोस्तों कौन सी थी, प्रतिष्ठान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण वंश के दोस्तों कौन संस्थापक थे, कुजुल कडफिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुजुल कडफिसिस दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक थे, और पुरुषपुर दोस्तों इनकी राजधानी थी, पुरुषपुर। ठीक है, कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था कनिष्क। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए, जिसका नाम था कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश। गुप्त वंश दोस्तों आया, गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, श्री गुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी, और इनकी राजधानी दोस्तों क्या थी, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक उठाइए जहाँ से प्रश्न उठते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक ध्यान रखिएगा श्री गुप्त थे, और इनकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। दोस्तों मेरे द्वारा आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आप प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, डेली रेगुलर, और डेली करंट अफेयर भी दोस्तों आती है, आप देख लीजिएगा। चलिए होड़ वंश की स्थापना करी जाए, तो दोस्तों होड़ वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तोरमाट ने दोस्तों होड़ वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, तोरमाड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक एक आध दो ही प्रश्न देखा गया है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्या पता आ जाए होड़ो वंश के संस्थापक। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, होड़ो को दोस्तों किसने हराया था, होड़ो को किसने हराया था, तो दोस्तों एक नाम ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने दोस्तों होड़ो को बाहर कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो होड़ो वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है, तोरमार। इनकी राजधानी दोस्तों ध्यान रखना सियालकोट इनकी राजधानी है, क्या, सियालकोट। और एक राजधानी और ध्यान रखना, प्रतिष्ठान, सिमुक, सातवाहन वंश, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश। दो तीन बार वीडियो को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, सातवाहन वंश, सिमुक, चांदी के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश में दोस्तों चलाए गए थे। ठीक है, और दोस्तों ये गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश, इसमें दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे, सोने के सिक्के। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सिक्के चलाने किस वंश में दोस्तों सोने के सिक्के चलाए गए थे या जारी किए गए थे, तो दोस्तों गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश को दोस्तों स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसको स्वर्ण काल वाला वंश कौन सा, गुप्त वंश। ठीक है, श्री गुप्त दोस्तों इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र दोस्तों इसकी राजधानी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, होड़ वंश मैंने आपको बता दी दोस्तों, तोरमाड़। ठीक है, चलिए एक आता दोस्तों वर्धन वंश। वर्धन वंश के दोस्तों जो संस्थापक थे वो थे पुष्य पुष्यभूति। ठीक है, और राजधानी दोस्तों इनकी थी थानेश्वर, राजधानी थी इनकी। ठीक है, वर्धन वंश पुष्यभूति, ठीक है, और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे, सामंत सेन दोस्तों। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। राजधानी दोस्तों इनकी थी लखनौती, इनकी राजधानी थी।
क्या थी? लखनौती, सेन वंश, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेन वंश। कौन से दोस्तों? कौन थे? सामंत सेन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों चंदेल वंश। चंदेल वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुख। कौन थे दोस्तों? नन्नुख। नन्नुख दोस्तों चंदेल वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी दोस्तों क्या थी? खुजराओ। खुजराओ दोस्तों इनकी राजधानी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि खुजराहों के जो मंदिर है ना, खुजराहों के जो मंदिर बनवाए गए थे वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है चंदेलों द्वारा, आपने एग्जाम दिया होगा। तो चंदेल वंश दोस्तों नन्नुक जो थे वो उसके संस्थापक थे, और इनकी राजधानी दोस्तों खुजराहो थी, ठीक है। यहाँ पर खुजराहो की राजधानी में दोस्तों चंदेलों का वंश का शासक था। चलिए अब आता है दोस्तों पल्लव वंश। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, सिंह वर्मन चतुर्थ ये दोस्तों इसके संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक सिंह वर्मन, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों कांचीपुरम। कांचीपुरम दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु की तरफ है, तमिलनाडु की तरफ है दोस्तों कांचीपुरम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और पल्लव वंश, ठीक है, सिंह वर्मन चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चालुक्य वंश। चालुक्य वंश दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम दोस्तों कौन थे? इसके संस्थापक थे चालुक्य वंश के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनकी राजधानी वातापी दोस्तों इनकी राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कई बार पूछी जाती है कि चालुक्य वंश की राजधानी दोस्तों क्या थी? वातापी। वातापी इज द कैपिटल ऑफ चालुक्य वंश, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। दोबारा हम रिवाइज करेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग दोस्तों इसके संस्थापक थे राष्ट्रकूट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग थे, और इसकी राजधानी दोस्तों मान्यखेत में दोस्तों इसकी राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश की पूछी जाए दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक थे, और इनकी दोस्तों राजधानी थी दिल्ली, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा। गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों इन्होंने ही दिल्ली में क्या, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ठीक है, लगभग ऊंचाई कितनी है? 203 मीटर की है ना, ठीक है। तो इसका दोस्तों इनकी जो जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का दोस्तों संस्थापक है, ठीक है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में, एसएससी जेई में भी, ठीक है। चलिए आगे, हु इज द फाउंडर ऑफ गुलाम वंश। वंशों से दोस्तों बहुत प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी? दोस्तों खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी। किसने की थी दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इनकी राजधानी की अगर बात करिए दोस्तों, तो इनकी राजधानी दिल्ली थी, खिलजी वंश, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आ एक वंश आता तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों नहरों के निर्माण के लिए बहुत जाना जाता है, नहरों के निर्माण के लिए दोस्तों तुगलक वंश बहुत ही जाना जाता है, तुगलक वंश जाना जाता है। चलिए ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों पहले शासक थे जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। एक दोस्तों इसमें संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक, जिनको दोस्तों पागल शासक कहा जाता है। हालांकि बहुत बुद्धिमान और पढ़े लिखे शासक थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनको पागल शासक कहा जाता है, ठीक है। और ये राजधानी दोस्तों इनकी क्या थी? दिल्ली दोस्तों इनकी राजधानी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है एग्जाम में, ठीक है, कि नेहरू का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, कौन से वंश में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन कई सारे, ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से तुगलक वंश से। अगला है दोस्तों सैयद वंश। ये सारे दिल्ली सल्तनत के वंश चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। खिजर खां दोस्तों यहाँ के
इसके संस्थापक थे खिज्र खां, सैयद वंश, ठीक है। और यहाँ की राजधानी की बात करिए दोस्तों, तो राजधानी दिल्ली थी। क्या थी दोस्तों? दिल्ली। दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ सैयद वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश, अंतिम दोस्तों लोदी वंश था किसका? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और बहलोल लोदी दोस्तों संस्थापक थे इसके, बहलोल लोदी संस्थापक थे। और अंतिम शासक की अगर बात करी जाए तो अंतिम शासक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इब्राहिम लोदी, ठीक है। अंतिम शासक दोस्तों कौन था? इब्राहिम लोदी। और इससे पहले एक शासक और था दोस्तों जिसका नाम था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने दोस्तों 1504 में आगरा जो नामक शहर है ना, आगरा, उसका दोस्तों क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो दोस्तों सिकंदर लोदी इज़ अ फाउंडर ऑफ आगरा, ठीक है। उन्होंने उसने 1504 में दोस्तों आगरा का निर्माण कराया था। अब इब्राहिम लोदी की बात चल रही है दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी की अगर बात चल रही है तो 1526 में दोस्तों एक बैटल होता है जिसका नाम क्या होता है? पानीपत का बैटल। पानीपत का बैटल, ठीक है, पानीपत फर्स्ट बैटल, ठीक है। तो वो दोस्तों किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है, ठीक है। तो पानीपत का बैटल दोस्तों इन्हीं के बीच में होता है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल वंश। चोल वंश की बात करें तो दोस्तों विजयालय दोस्तों संस्थापक हैं इसके, चोल वंश के। और तंजौर में दोस्तों इसका राजधानी है चोल वंश की, ठीक है। आप दोस्तों बेफिक्र रहिए, अभी दोबारा हम लोग रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। दो तीन बार वीडियो देखेंगे तो और भी याद हो जाएगा। चलिए संगम वंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। संगम वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे जिनका नाम था दोस्तों हरियर एवं बुक्का? हरियर एवं बुक्का दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक थे अपने समय के, ठीक है। हरियर एवं बुक्का, और इनकी राजधानी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हरियर एवं बुक्का। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ तक कि कौन बनेगा करोड़पति में भी आ गया है, KBC, ठीक है। और SSC तो पूछ ही लेता है इसको, SSC JEE ने भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी कौन सा वंश आया था? संगम वंश। संगम वंश के बाद दोस्तों एक वंश आता है सालुब वंश। सालुब वंश के दोस्तों संस्थापक थे नरसिंह। कौन थे? नरसिंह, ठीक है। और इनकी राजधानी भी दोस्तों, इसकी राजधानी भी थी विजयनगर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके बनता है। सालुब वंश, नरसिंह वर्मन, नरसिंह, ठीक है। और राजधानी विजयनगर। फिर आता दोस्तों, पहला आता संगम वंश, संगम वंश के बाद सालुब वंश, सालुब वंश के संस्थापक नरसिंह, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। फिर आता तुलुव वंश, तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, वो नरसिंह, फिर वीर नरसिंह, तुलुव वंश, ठीक है। और राजधानी की बात करिए दोस्तों, विजयनगर राजधानी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता अरिवीडू, अरिवीडू, अरिवीडू के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तिरुमल। और राजधानी दोस्तों क्या थी? पेनुकोंडा। इट इज़ द कैपिटल ऑफ अरिवीडू, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? हसन गंगू। हसन गंगू दोस्तों बहमनी वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी गुलबर्गा, ठीक है। चलिए मुगल वंश की बात आती है दोस्तों। मुगल वंश, बाबर संस्थापक हैं मुगल वंश के, आपको सभी को पता है। और दिल्ली और आगरा दोस्तों राजधानी थी इनकी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? गोपाल। और राजधानी मुंगेर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब जल्दी से रिविजन कर लेते हैं इन सभी का। चलिए चिंता मत करिए दोस्तों, रिवीजन करके जाएंगे पूरा। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन है? बिंबसार हर्यक वंश के संस्थापक, ध्यान रखिएगा। इनकी राजधानी दोस्तों क्या थी? राजगृह, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? बिंबसार। उनकी राजधानी क्या थी? राजगृह। अगला प्रश्न है दोस्तों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे क्वेश्चन है नंदवंश। नंदवंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? महापद्म नंदन। और इनकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इसकी इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और इनकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कड़व वंश, कड़व वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? वसुदेव, और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये दोस्तों रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सातवाहन वंश मैंने आपको बताया था, सिमुख करके एक व्यक्ति थे जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे, और प्रतिष्ठान दोस्तों इनकी राजधानी थी सातवाहन वंश की। चांदी के सिक्के दोस्तों सर्वप्रथम सातवाहन वंश में ही चलाए गए थे, विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आके एग्जाम के लिए, कुशाण वंश, कुशाण वंश के संस्थापक कुजुल कटविशेष थे, और पुरुषपुर दोस्तों इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड़ वंश, हुड़ वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तोरमार, तोरमार दोस्तों हुड़ वंश के संस्थापक थे, और इनकी जो राजधानी थी वो सियालकोट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश, वर्धन वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति थे, और इनकी राजधानी थानेश्वर। अगला क्वेश्चन है सेन वंश, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, और लखनौती दोस्तों इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल वंश, चंदेल वंश मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, संस्थापक नन्नुक संस्थापक थे, और खुजराहो दोस्तों मैंने आपको बताया था, खुजराहो, खुजराहो के मंदिर दोस्तों उनका निर्माण चंदेलों ने करवाया ना, तो नन्नुक दोस्तों इसके संस्थापक थे। नन्नुक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके। पल्लव वंश, पल्लव वंश के दोस्तों संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ। ठीक है, और तमिलनाडु दोस्तों सॉरी कांचीपुरम में दोस्तों इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे, वातापी दोस्तों इनकी राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कई बार पूछी गई है, वातापी। ठीक है, ग्रुप डी, ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी, जीडी, वीडी, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको 100% मिलेगा यहाँ से। राष्ट्रकूट दोस्तों, दंती दुर्ग दोस्तों इसके संस्थापक थे, और मान्य खेत दोस्तों इसकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक सभी को पता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक थे, राजधानी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, और राजधानी दोस्तों क्या थी? दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तुगलक वंश, तुगलक वंश में दोस्तों नेहरू का निर्माण हुआ था सबसे ज्यादा, और गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों संस्थापक है तुगलक वंश के। ठीक है, और दिल्ली दोस्तों इसकी इनकी राजधानी थी। सैयद वंश की बात करिए तो खिजर खां दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक थे, और राजधानी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोधी वंश, लोधी वंश दोस्तों बहलोल लोधी संस्थापक थे, राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और राजधानी तंजौर में थी दोस्तों, तंजौर। संगम वंश दोस्तों कौन थे? हरियर एवं बुक्का, और विजयनगर दोस्तों इनकी विजयनगर इनकी राजधानी थी। ठीक है, संगम वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आता? सुलुभ वंश, सुलुभ वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? नरसिंह दोस्तों संस्थापक थे, राजधानी दोस्तों विजयनगर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलुव वंश, वीर नरसिंह दोस्तों इसके संस्थापक थे, और राजधानी दोस्तों विजयनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिवीडू, तिरुवल्लकर के दोस्तों इसके संस्थापक थे, और राजधानी दोस्तों क्या थी? पेनुकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहमनी वंश, हसन गंगू दोस्तों इसके संस्थापक थे, और गुलमर्गा दोस्तों इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? बाबर दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और राजधानी दोस्तों इन्होंने दिल्ली और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पाल वंश की अगर बात करिए दोस्तों तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और राजधानी मुंगेर करके दोस्तों इनकी राजधानी थी पाल वंश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, हमने रिवीजन भी कर लिया अच्छी तरीके से, हमने अच्छी तरीके से देख भी लिया। ठीक है ना, जल्द ही दोस्तों इस वीडियो पे एक इन्हीं पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो आएगी जिसमें आपका टेस्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा। वंश के ऊपर दोस्तों टेस्ट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो करा दिया, अब दोस्तों टेस्ट की बारी है। ठीक है, तो टेस्ट की दोस्तों वीडियो कल आपके लिए लॉन्च हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले टॉपिक पढ़ाओ, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे दोस्तों याद रहती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें लेकिन। ठीक है, चलिए।